हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं गुजराती कढ़ी। ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। पतीले में मैंने यहाँ पे 200 ग्राम दही लिया है। इसको हम अच्छे से फेंट लेते हैं जब तक ये स्मूथ ना हो जाए। दही देखिए स्मूथ हो चुका है। अब हम इसमें 1/4 कप बेसन डालेंगे। बेसन डाल के इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। इसको हमको तब तक मिक्स करना होगा जब तक कि बेसन की सारी जो गुठलियाँ हैं वो ख़त्म ना हो जाएं। अब इसमें हम ये 1/4 टीस्पून मैंने हींग लिया है ये ऐड करेंगे, और इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी को ऐड करेंगे। इसके साथ इसमें हम धीरे धीरे बैचेस में पानी ऐड करके इसको मिक्स करते जाएंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप पूरा भर के पानी लिया था, वो पूरा पानी मैंने धीरे धीरे करके इस बैटर में ऐड कर दिया है। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ कि अब ये कितना पतला है। ये देखिए बैटर जो है इस कंसिस्टेंसी में है। चलिए अब हम इसको फाइनल जो है वो तड़का लगाते हैं। आज मैं गुजराती कढ़ी बना रही हूँ। गुजराती कढ़ी में जो हल्दी होती है वो बिल्कुल कम डाली जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 पिंच इतना हल्दी डाला है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा हल्दी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ऐसे लाइट कलर में ही अच्छी लगती है, इसलिए मैंने यहाँ पे कम हल्दी का यूज़ किया है। चलिए अब इसको हम फाइनल तड़का लगाते हैं। कढ़ाई में मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून घी ऐड कर रही हूँ। घी जब गरम हो जाए थोड़ा सा, तो आप उसमें थोड़े से मेथी दाने, आधी छोटी चम्मच राई, आधी छोटी चम्मच सौंफ और आधा छोटा चम्मच जीरा ऐड कर दें। अब इसको क्रैकल होने दें। जब राई जीरा अच्छे से क्रैकल हो जाए उसके बाद मैंने यहाँ पे 2-4 लहसुन की कलियाँ, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 हरी मिर्चियों को अच्छे से बारीक कूट लिया है। अब इसको हम ऐड करेंगे। इसमें 2-4 कड़ी पत्ता आप ऐड कर दीजिए। Thank you.
अब जो हमने कढ़ी का घोल प्रिपेयर किया था बेसन और दही का, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। अब इसको कंटिन्यू तब तक हमें चलाना होगा जब तक इसमें एक बॉईल नहीं आ जाता। कढ़ी में बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम यहाँ पे अपने स्वाद के अकॉर्डिंगली नमक मिलाएंगे। और गुजराती कढ़ी है तो शक्कर डालना तो ज़रूरी ही है, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून चीनी ऐड की है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके हम 5 मिनट अच्छे से बॉईल कर लेंगे। कढ़ी को बॉईल होते हुए 5 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से कुक हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारी कढ़ी खाने के लिए तैयार है। चलिए इसको अब सर्व करते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जल्द ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।